पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ भाष्य मूल वही ना। जगद्वाचित्वात् कौशिक ब्राह्मणोपनिषद में बालाकी नामक गवंडी विद्वान ब्राह्मण ने अजात शत्रु राजा के पास पहुंचकर कहा कि मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करना चाहता हूं। उसने आदिदेव का वर्णन किया। राजा ने कहा कि तुमने जो कुछ कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुकूल यह नहीं है, यह सब तो मैं जानता हूँ लेकिन यह ब्रह्म नहीं है, तुम तो कि देवता को ही ब्रह्म मानने वाले हो। फिर राजा ने ब्राह्मण ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं ब्रह्म का उपदेश करना चाहता हूँ, राजा ने ही फिर ब्रह्म का उपदेश किया ब्राह्मण को। तुम जिस ब्रह्म का नाम ले रहे थे वह ब्रह्म ऐसा है। अब यहाँ पर शास्त्रार्थ है, जो कुछ कर्ता का वर्णन किया गया वह कर्ता प्राण को मानना चाहिए प्रसंग के अनुसार, या जीव को मानना चाहिए या ईश्वर को ही मानना चाहिए। पूर्व पक्ष प्राप्त है कि प्राण ही सब देवताओं का जीवन है, सर्वदेवमय है। प्राण को ही कर्ता मानना चाहिए, क्रियाशक्ति का संपादन भी प्राण के द्वारा ही होता है। फिर पूर्व पक्ष है कि कदाचित प्राण को प्रसंगानुसार जड़ मान लिया जाए, तब जीव तो चेतन है और कर्ता भी है, उसी के लिए यह प्रकरण है। सिद्धांत यह है कि प्रतिज्ञा के अनुकूल और सृष्टि में केवल अधिदैव ही नहीं है, अद्भुत ही नहीं है, अध्यात्म भी नहीं है, समग्र सृष्टि के कर्ता का प्रतिपादन है। और समग्र सृष्टि का कर्ता ईश्वर ही हो सकता है, जीव या प्राण नहीं। इस प्रकार पूर्वोत्तर पक्ष का निर्धारण करके कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में कर्ता के रूप में जिसका वर्णन किया गया है वह प्राण या जीव नहीं, अपितु साक्षात सर्वेश्वर तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म ही है, या इस अधिकरण का विषय है सार। जगद्वाचित्वात् वहाँ पर जगद्वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। समग्र जगत का कर्ता जीव नहीं हो सकता, प्राण नहीं हो सकता। माना कि क्रियाशक्ति संपन्न प्राण है और जीव अंतःकरणादि करण के माध्यम से कर्ता भी होता है, लेकिन आंशिक कर्तृत्व जीव में हो सकता है। प्राण तो जड़ है, उसमें तो गौण कर्तृत्व ही हो सकता है। समग्र जगत का सृष्टा रचयिता कर्ता तो ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि जगतवाचक शब्द का प्रयोग है और कोई जीव समग्र जगत का सृष्टा हो ही नहीं सकता।
कौशिक कौशितक ब्राह्मणे बालाक्य जात शत्रु संवादे श्रूयते। कौशितक ब्राह्मणोपनिषद है जिसमें बालाकी और अजात शत्रु दोनों के संवाद का श्रवण प्राप्त है। माने श्रुति ने दोनों के संवाद का ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उल्लेख किया है। यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः। ए बालाक, इन पुरुषों का जो कर्ता है और जिस पुरुष का यह कर्म है वही तो विशेष रूप से जानने योग्य है। इति तत्र किम जीवो वेदितव्यत्वेन उपदिश्यते उत मुख्य प्राणः उत परमात्मेति विषयः। तालब विषय है संशय के अर्थ में। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वेदितव्य के रूप में, जानने योग्य के रूप में यहाँ जीव का वर्णन है या मुख्य प्राण का ही वर्णन है अथवा साक्षात परमात्मा का ही वर्णन है, यह संदेह प्राप्त होता है। पूर्वोत्तर मीमांसा जो है कर्मकांड परक और ज्ञान कांड परक जो वचन हैं वेदों में उपनिषदों में, उनमें जो विज्ञान परिलक्षित होता है संदिग्ध स्थल हैं। एक दृष्टि से कुछ सिद्ध होता है, दूसरी दृष्टि से कुछ सिद्ध होता है। अच्छे विद्वान भी निर्णय नहीं कर पाते कि यहाँ सचमुच में किसका वर्णन है। उसका निर्णय देने के लिए पूर्वोत्तर मीमांसा है या न्याय का ग्रंथ, जजमेंट। जैसे कर्म संबंधी विज्ञान का परिहार करने के लिए पूर्व मीमांसा है, उपासना और ज्ञान संबंधी उपनिषदों में जो विज्ञान हैं उनका परिहार करने के लिए उत्तर मीमांसा है। साथ ही साथ गीता के 8वें और 15वें अध्याय को लेकर भी ब्रह्मसूत्र हैं। इसका मतलब गीता में भी जो एक दो संदिग्ध स्थल हैं जहाँ पर व्यक्ति कुछ का कुछ समझ सकता है, उसका निर्णय करने के लिए भी ब्रह्मसूत्र में कुछ सूत्र दिए गए हैं। इसीलिए बहुत से व्यक्ति भूल करते हैं। गीता के 13वें अध्याय का एक वचन है, ऋषिभिर् बहुधा गीतम छंदोभिर् विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर् विनिश्चितै है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव जो कहा गया उसका अर्थ यह ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा, शारीरक मीमांसा लोग अर्थ कर देते हैं। शंकराचार्य जी भला भूल कैसे कर सकते थे। ब्रह्म को सूचित करने वाले जो सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म आदि वचन हैं उन्हीं का नाम यहाँ ब्रह्मसूत्र है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मसूत्र के बाद में गीता की रचना नहीं हुई है, गीता के बाद में ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है और गीता के एक दो जटिल संदिग्ध स्थल पर भी ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया गया है। तो ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव जो है उसका अर्थ उत्तर मीमांसा, शारीरक मीमांसा या ब्रह्मसूत्र नहीं है। ब्रह्म को सूचित करने वाले, द्योतित करने वाले जो सूत्रात्मक वेद वचन हैं, उपनिषद वचन हैं, उन्हीं का नाम ब्रह्मसूत्र है। अच्छे अच्छे विचारकों ने यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ ब्रह्मसूत्र ही कर दिया। यहाँ जो सत्यानंद जी के ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य पर सत्यानंद जी का अनुवाद है, उसकी जिन्होंने भूमिका लिखी है
उन्होंने भी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी ब्रह्मसूत्र का अर्थ ब्रह्मसूत्र ही कर दिया, लेकिन वह गलत है। ब्रह्मसूत्र का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म को द्योतित करने वाले वचन समझना चाहिए। तो गीता के बाद में ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है, गीता के एक दो स्थल पर विचार है ब्रह्मसूत्र में, उपनिषदों के कई स्थलों पर विचार है ब्रह्मसूत्र में। तो यहाँ पर संशय प्राप्त है कि जीव को वेदितव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है या मुख्य प्राण को ही वेदितव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अथवा साक्षात परमेश्वर को ही वेदितव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। किम तावत प्राप्तम, जब तीन पक्ष है उसमें सर्वप्रथम कौन सा पक्ष प्राप्त है? पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया प्राण इति, और वेदितव्य के रूप में और कोई नहीं, मुख्य प्राण का ही उल्लेख उपनिषद में किया गया। यस्य वै तत्कर्म इति श्रवणात्, क्योंकि श्रवण है वहाँ कथन है, जिसका यह कर्म है। इस प्रकार परिस्पंद लक्षण से च कर्मण प्राणाश्रयत्वात्, अब जो लोक प्रसिद्ध कर्म है वो तो परिस्पंदात्मक है, परिस्पंद लक्षण माने परिस्पंदात्मक या परिस्पंद रूप कर्म होता है, उसकी निष्पत्ति तो प्राण से है, इसलिए प्राण को लेकर कर्तृत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि परिस्पंद रूप जो कर्म है उसका संपादक तो मुख्य प्राण ही हो सकता है। तो यहाँ वेदितव्य के रूप में प्राण ही उपस्थित है, प्राप्त है, प्रस्तुत है। कर्म का जो सामान्य लोक का प्रसिद्ध अर्थ है, रूढ़ार्थ, उसको लेकर पूर्व पक्ष में प्राण का अर्थ लिया गया, मतलब वेदितव्य के रूप में प्राण है, क्योंकि उसी के द्वारा स्पंदन रूप स्पंद रूपकारी की सिद्धि होती है, परिस्पंद रूपकारी की सिद्धि होती है। परिस्पंद का नाम जब कर्म है तो सीधे ही प्राण के द्वारा परिस्पंद रूप कर्म की सिद्धि होती है। तो कर्म का कर्ता अंत में संपादक प्राण सिद्ध होता है, या पूर्व पक्ष। वाक्य शेषे च अथास्मिन प्राण एवई कथा भवति, वाक्य शेष के बल पर भी यही तथ्य सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण ही परिस्पंद रूपक रूप कर्म का संपादक अर्थात करता है। एकधा भवति, यह प्राण ही एक है, मतलब अंत में मुख्य प्राण में जाकर समग्र प्राणों का अंतर्भाव हो जाता है। प्राण के प्रभेद में प्राण की भी परिगणना है, लेकिन मुख्य प्राण ही वास्तव में प्राण है, अवान्तर प्रभेद भी उसी के हैं। तो मुख्य प्राण को यहाँ पर वेदितव्य मानना चाहिए, क्योंकि परिस्पंद रूप कर्म का संपादन प्राण के द्वारा होता है, अतः परिस्पंद रूप कर्म का कर्ता प्राण को मानना चाहिए। इति प्राण शब्द दर्शनात्, इस प्रकार प्राण शब्द का दर्शन है। अथास्मिन प्राण एवै कदा भवति, स्पष्ट ही प्राण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो अविधा वृत्ति से जो प्राण का अर्थ होता है उसी को लेने में सुगमता है। जब प्राण शब्द का साक्षात प्रयोग ही श्रुति ने किया है, तो परिस्पंद रूप कर्म के कर्ता के रूप में वेदितव्य के रूप में प्राण को ही मानना चाहिए। प्राण शब्द से च मुख्य प्राणे प्रसिद्धत्वात्, लोक प्रसिद्धि भी है शास्त्रानुकूल कि प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण है, प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्ध होने के कारण मुख्य प्राण को ही व्यक्ति झट से प्राण समझता है, क्योंकि रूढ़ार्थ जो होता है वो झट से प्रकट हो जाता है।
यौगिक अर्थ दीर्घ काल में प्रकट होता है, द्राविड प्राणायाम से प्रकट होता है, व्युत्पत्ति लभ्य होता है, और रूढ़ार्थ जो होता है समुदाय प्रसिद्ध अर्थ होता है। ऐसा जैसे गाय कहेंगे तो गो, गो शब्द का उच्चारण किया झट से पशु विशेष का ज्ञान हो जाएगा। दृति कंठ हो, लड़ली झालर से युक्त हो, ककुद हो, कुबर हो, ऐसे पशु विशेष दिव्य पशु विशेष का नाम गो है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में चलता है। अब यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार गच्छति ये ढंग से करना पड़ेगा तो बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा, चलते हुए गधे आदि में भी लक्षण चला जाएगा। तो प्रायः यही होता है कि यौगिक अर्थ की अपेक्षा रूढ़ार्थ झट से अर्थ देता है और मुख्य माना जाता है। अगत्या कहीं कहीं पर यौगिक अर्थ का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ का प्रयोग करते हैं। इसी में तो पाणिनि जी को शेर ने खा लिया व्याघ्र ने। वो आ रहा था, गुरुजी गुरुजी सावधान व्याघ्र आ रहा है। अब व्याघ्र की व्युत्पत्ति करने लगे, उनको इन्हें के सामने आ रहा व्युत्पत्ति करते करते वो आके खा गया। ऐसा होता है विस्तृत मुख वाला, जब तक व्युत्पत्ति करने लगे तब तक वो रूढ़ार्थ आके निकल गया। हाँ, एक नैयायिक के बेटा पानी भर रहे थे कुएं पर, मैं भी था। एक और कुएं की ईंट कुछ निकल गई थी, एक और निकली नहीं थी। जिधर नहीं निकली थी वहाँ रस्सी ज़्यादा पड़ती थी, जिधर निकल गए वो कहे पानी तिरछा हो गया है, पानी तिरछा है, तिरछा यहाँ इतनी रस्सी में काम चल जाए यहाँ उतनी। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, हमने कहा नैयायिक जी के बेटे डूब जाओगे तुम, यूँ यूँ झाँक रहे हो। अरे यहाँ पर ऊंचाई है इसलिए रस्सी ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर नीचाई है। अच्छा अच्छा ठीक बताया, हमने कहा ठीक क्या बताया तू तब। एक काशी से पढ़ के आया न्याय, माँ ने कहा त्यौहार है बेटा, गरीब ब्राह्मण तो प्राय गरीब ही होते हैं, एक गिलास दे दिया घी ले आना बाजार से, रुपया दे दिया। वो घी लेकर आ रहे थे, घृत का आधार पात्र है कि पात्र का आधार घृत है, अभी विचार चल पर। तो लगता तो ऐसा ही है भाई कि घृत का आधार पात्र है, क्या पता हमारी व्याप्ति गलत हो, देख ही ले कि पात्र का आधार घृत है या घट का आधार। अरे ओ मिट्टी में सब होगी। हाँ अब मालूम पड़ गया कि घृत का आधार पात्र है भाई, पात्र का आधार घृत नहीं है। रुपया तो खत्म हो गया, घर आए बेटा घी, वो तो व्याप्ति में चला गया घी। तो कहा कि मूर्ख राज तुमको तो पढ़ने के लंबे जाते, इसलिए अब घर में रुपया भी नहीं है, त्यौहार में क्या करें, तुम्हारे नाम के ऊपर क्या करें। तो कहा तुम्हारी जो कुछ भी हुई बात बिगड़ी बिगड़ी, रुपया खत्म हुआ, कहा हमारी व्याप्ति पुष्ट हो गई कि घृत का आधार पात्र है, सच में पात्र का आधार घृत नहीं है, ऐसे ही होते। तो कभी कभी जो है ज़्यादा पांडित्य, यही कहा भाई झट से अर्थ तो प्राण ही होता है, प्राण शब्द से चाह मुख्य प्राणे प्रसिद्धत्वात्, कर्म की प्रसिद्धि परिस्पंद को लेकर है। और इसी प्रकार प्राण शब्द का प्रयोग किया गया तो प्राण की प्रसिद्धि भी तो परमात्मा को लेकर नहीं है, यही है ना कि मुख्य प्राण जो होते हैं होता है वही प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान में मुख्य प्राण प्राण है। ये चैते पुरुषा पुरस्ताद वा प्राणक, यही है बाला किना आदित्य पुरुष प लिखा गया, पुरुष होना चाहिए, पुरुष चंद्रमसी पुरुष इत्येव मादया पुरुषा निर्दिष्टा तेषामपि भवति प्राणकर्ता। जो पहले कहा गया बालाकी के द्वारा, हम तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करते हैं या मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करता हूँ, राजन सुनो, आदित्य में जो पुरुष है, चंद्रमसी चंद्रमा में जो पुरुष है,
उसी का ब्रह्म रूप से वर्णन किया बालाकी ने। तो यहाँ पर कहते हैं इत्येव मादया पुरुषा निर्दिष्टा, आदित्यगत पुरुष चंद्रमंडलगत पुरुष का वर्णन किया गया उस ब्राह्मण के द्वारा, तेषामपि भवति प्राणः कर्ता, उन सब पुरुषों का भी कर्ता तो प्राण ही होता है, क्योंकि मुख्य देव के रूप में प्राण ही प्राप्त है। प्राणावस्था विशेषत्वात् आदित्यादि देवतात्मनाम, क्योंकि श्रुति अंतर वेदारण्यक के अनुसार भी यह बात सत्य है कि प्राणावस्था विशेषत्वात् प्राण की अवस्था विशेष आदित्य चंद्रमा इत्यादि देवता हैं। भला कैसे कहते हो कतमा एको देवा इति प्राण इति स ब्रह्मा, ब्रह्मे क्या है ब्रह्म आप में क्या पाठ, हाँ यहाँ छूटा हुआ कुछ, ब्रह्मे इत्यादि क्या चक्षते ब्रह्म इति, अच्छा यहाँ कुछ छूटा हुआ मिट गया कुछ। तो कौन सा एक देव है बताइए, इस पर कहा कि प्राण है वह ब्रह्म, इस शब्द से भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ धारक भी होता है व्यापक भी होता है। ब्रह्म का क्या है, ब्रह्मत्यादित्याचक्षते ब्रह्मे नहीं है, ब्रह्मत्य इसमें दूर से है, त्यत त्यत इत्याचक्षते यूँ लेना चाहिए, अलग अलग शब्द है, त्यत परोक्षवाचक जो त्यत होता है वो ठीक है, सत त्यत सत्य ओ वृदान त्यत माने परोक्षवाचक ठीक है, ब्रह्म कहा जाता परोक्षवाचक, इसका मतलब प्राण को ही ब्रह्म भी कह देते हैं प्रसंगानुसार, मुख्य देव कौन है प्राण ही है, ब्रह्म का अर्थ धारक भी होता है, ब्रह्म का एक अर्थ धारक भी होता है, एक अर्थ व्यापक भी होता है, इस प्रकार से त्यत के द्वारा वही कहा गया। इति श्रुत्यंतर प्रसिद्ध है बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यह प्रसिद्ध है, तो प्राण की ब्रह्मरूपता भी सिद्ध है, मुख्य कर्तृत्व भी प्राण को प्राप्त है, मुख्य देवत्व भी प्राण को ही प्राप्त है, इस प्रकार से यहाँ पर परिस्पंद रूप कर्म का निसंपादक कर्ता के रूप में और आदित्य मंडलांतर्गत चंद्रमंडलांतर्गत पुरुष के रूप में प्राण को ही लेना चाहिए पूर्व पक्ष। जीवो वायम यह वेदितव्यतयोपदिश्यते, अथवा प्राण को लेकर तुम्हें यह हो कि वस्तुतः अचित है, गाढ़ी नींद में प्राणस्पंदन तो बना रहता है, स्त्री आवो तो सर्प आवो तो चोर आवो तो साधु आवो तो किसी का परिज्ञान नहीं होता, उसको ही कर्ता मुख्य देव आदित्य मंडलांतर्गत चंद्रमंडलांतर्गत देवता मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वहीं पर यह भी लिखा है अजात शत्रु ने सोए हुए व्यक्ति को धीरे से बुलाया, नहीं उठा तो थोड़ा खटखटाया, शरीर का हल्का प्रयोग कर किया तो जग गया, इससे सिद्ध किया कि प्राण की विद्यमानता होने पर भी प्राण वास्तव में अचेतन है, सुनता उनता कुछ नहीं, इस प्रकार से प्राण की वो अचित मानकर अगर उसमें मुख्य कर्तृत्व न मानो, कर्म की सिद्धि में अवान्तर हेतु होने पर भी मुख्य कर्ता के रूप में तुम्हें प्राण अभिमत नहीं है तो भाई जीव को मान लो, ऐसा जीवो वा अयम यह वेदितव्यतयोपदिश्यते, अथवा जीव ही यहाँ पर वेदितव्य के रूप में कहा गया है, उपदेश किया जाता जीव का, वन जीव ही यहाँ पर क्या है वेदितव्य है, वही ब्रह्म है, जेनरी प्राणांतःकरण का संपादक नियामक प्रयोक्ता होने के कारण उसमें कर्तृत्व की प्रसक्ति भी हो जाएगी, और वह जड़ नहीं है चेतनत्व की प्रसक्ति भी हो जाएगी, और प्राण की उपाधि से उसकी प्राणी संज्ञा भी हो जाएगी,
जब हम प्राणी संज्ञा मानेंगे तो प्राण की भी सार्थकता जीव को लेकर हो ही गई, प्राण भी उपेक्षित नहीं हुआ। आखिर जीव में भी कर्तृत्व तो उपाधिक मानेंगे तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सापेक्षी मानेंगे तो प्राण का समाधान भी हो गया और जाड्य वाला दोष भी नहीं लगा, जीव को तो चेतन मानना ही होगा। तस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म शक्यते श्रावयितुम यस्य वै तत्कर्म इति। अब कहते हैं परिस्पंद रूप कर्म का संपादक तो प्राण हो सकता है, इसलिए प्राण में कर्तृत्व जाएगा। अब जीव में आदित्य मंडल आदि का कर्तृत्व, इतना जो जगत द्वाल बाह्याभ्यंतर फैला हुआ है उसका कर्तृत्व आप जीव में कैसे मरोगे? सृष्टि का दो भेद मानना चाहिए, एक जीवार्था सृष्टि, एक आत्मार्था सृष्टि। भगवान की रची हुई एक सृष्टि है, एक जीवार्था सृष्टि। भगवान की रची हुई सृष्टि भी जीवार्था हो जाती है क्योंकि भगवान सृष्टा हैं, लेकिन समष्टि जीवों को निमित्त बनाकर उनके शुभाशुभ कर्मों का उन्हें फल देने के लिए उनके शुभाशुभ कर्म के द्वार से तत्त्व पदार्थों की संरचना करते हैं। इस प्रकार से जीवार्था सृष्टि की दृष्टि से जीव के जो शुभाशुभ कर्म हैं उन्हीं के द्वार से आदित्य इत्यादि की भी संरचना होती है। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग, पाप के प्रभाव से नरक, कहीं गंगा तो कहीं कर्मनाशा, ऐसे आनंद गिरी जी आदि ने सिद्ध किया है। ये जो सृष्टि में विविधता है, सृष्टि की अभिव्यक्ति आखिर किसके लिए है? भोक्ता जीव के लिए। तो जीव जो हैं उनके शुभाशुभ कर्म को देखकर ही तो भगवान भोग्य जगत की संरचना करते हैं। तो जगत की संरचना में जीव का हाथ हुआ या नहीं? क्योंकि जीव के शुभाशुभ कर्म ही ना होते तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की उसे उपलब्धि क्यों होती? अब बाह्य पृथ्वी आदि की उत्पत्ति भी किसके निमित्त होती है? जीव के निमित्त। भगवान के द्वारा विचित सृष्टि में भी विचार करके देखें तो जीव के शुभाशुभ कर्म का योग तो है ही। तो जीव इस प्रकार से जहाँ सामान्य दृष्टि से जीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, वहाँ भी समझना चाहिए कि जीव के शुभाशुभ कर्म, वो भी समष्टि जीव के। ब्रह्मा जी का नाम है श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद आदि में, सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ कौन है? सर्वजीव घनात्मक। तो ब्रह्मा जी के मन के संकल्प से सृष्टि हो जाती है। सर्वजीव घनात्मक जो ब्रह्मा जी हैं उनकी दृष्टि से विचार करें तो जीव एक से एक हैं, अशुभ जीव शुभ जीव, माने अशुभ कर्मा अशुभ जीव, शुभ कर्मा शुभ जीव। तो उनके शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप जब सृष्टि की रचना होगी तो हम लोग जिसको जीव के द्वारा विरचित सृष्टि नहीं मान सकते, उस सृष्टि की अभिव्यक्ति में भी तो जीव के शुभाशुभ कर्म निमित्त हैं ना। इसीलिए यह भी एक पक्ष है, हमारे पूज गुरुदेव ने हमको बताया कि स्वर्ग भी अनेक होता है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात अलग है, एक नंबर का, दो नंबर का, तीन नंबर का है। जैसे ट्रेन आदि में होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अब तो सेकंड क्लास और स्लीपर, पहले थर्ड क्लास भी बना देते थे। हवाई जहाज में भी कुछ विभाग होता है। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि स्वर्ग में भी पुण्य के तारतम्य से एक एक जीव के लिए एक एक स्वर्ग की अभिव्यक्ति होती। यहाँ भी तो सृष्टि तो यही है ना। अब जिसके मन की स्थिति जितनी है उसके अनुसार वो सृष्टि का ग्रहण करता है। एक अपना शत्रु देखता फिरता है लोगों को, एक सबको आत्म रूप से देखता है, आत्मीय रूप से देखता है। अब अंतर पड़ गया ना, एक ही व्यक्ति को जाकी रही भावना जैसी
एक ही व्यक्ति को 25 जीव देखते हैं, 25 प्रकार की दृष्टि हो जाती है। ये सासू जी हैं तो एक माता जी हैं, ये ननद हैं, एक ही स्त्री में 10 व्यक्ति अलग अलग संबंध के बल पर उस स्त्री को अलग अलग रूप में देखता है। कोई पत्नी देखता है, कोई दादी देखता है, कोई मामी देखता है, कोई नानी देखता है। अब एक ही पुरुष है ईश्वर के द्वारा विरचित, लेकिन कोई नाना देखता है, कोई मामा, कोई पिता, कोई पुत्र। इसका मतलब क्या हुआ? दृष्टि भेद से सृष्टि में भेद की प्रसक्ति हो जाती है। अब एक ही व्यक्ति है, जैसा है वैसा। कोई उसको अपनी दुर्भावना के कारण शत्रु मान लेता है, कोई उसे मित्र मान लेता है। इसका मतलब जितने व्यक्ति जितने जीव उनकी उतनी दृष्टि, उस दृष्टि के आधार पर एक ही सृष्टि एक ही वस्तु विविध रूपों में परिलक्षित होती है, स्फुरित होती है। तो स्वर्ग में भी तारतम्य हो जाता है पुण्य के योग से। स्वाभाविक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जिस जीव का जितना पुण्य होगा उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग उसके सामने उसी स्तर का प्रकट होगा। जैसे 50 व्यक्ति के स्वप्न हैं, एक पीटा जाता है स्वप्न में, एक बाबूजी दो पैसे भीख मांगता है स्वप्न में, एक राज्य करता है स्वप्न में। स्वप्न स्वप्न में अंतर हुआ या नहीं? राधा कृष्णन जी ने लिखा एक कुम्हार के स्वप्न का वर्णन, कुंभकार था, दिन में गधा, मिट्टी, आवा, फिर घट बनाओ बेचो, इसे पाला पड़ता। लेकिन उसका प्रारब्ध इतना अच्छा था, रात में स्वप्न में वो रोज राजा बन जाता था और जगने पर कुम्हार का कुम्हार। तो कुम्हार का काम करता हुआ गरीबी में परिश्रम करके जीवन यापन करता हुआ उसका मन टंगा रहता था कि कब सोऊंगा। तो स्वप्न में उसको एक ही स्वप्न, राजा धीराज रोज बन जाता था, स्वप्न में राजा बनता था, जीवन में जागृत में कुम्भकार। इसलिए जनक ने कहा ना, स्वप्न में भटकने लग गए, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। तो स्वप्न में जो घटना घटी न बता के जो पंडित आवे दरबार में कहें यह सत्य या वह सत्य, अब घटना बतावे नहीं यह सत्य या वह सत्य, अब लोगों को कुछ समझ में नहीं आवे। अष्टावक्र भी आए तो आओ जिसको जेल में तात्कालिक बंद कर दें विनोद के लिए, भोजन आदि की व्यवस्था कर। राजन न यह सत्य न वह सत्य यहाँ उनको आश्चर्य था, यहाँ तो मैं राजा अधिराज हूँ, स्वप्न में भिखारी बन गया। तो यह सत्य है या वह सत्य? तो बताया राजन न यह सत्य न वह सत्य। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक ही व्यक्ति एक ही जीव के एक ही स्वप्न में कहीं सुख भोगता है, कहीं दुख भोगता है। एक ही जीव के अनेक स्वप्न में क्या क्या उसकी दुर्गति सदगति होती है, कितना सम्मानित होता है, कितना सम्मानित होता है। अब वो स्वप्न में क्या हुआ, 3 दिन पहले शायद वामदेव जी महाराज ने कह दिया अहंकारी हो, और स्वप्न तो टूट गया। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया क्या मैं अहंकारी हूँ। उसके बाद 15 मिनट तक क्या अहंकार हो गया मेरे द्वारा, अहंकार तो फटकना नहीं चाहिए। तब वो हुआ कह रहे थे स्वप्न हुआ था, स्वप्न में उन्होंने कहा अहंकारी हो, अब तुम चिंता मत करो 15 मिनट मेरे खा गए वामदेव जी महाराज, स्वप्न के वामदेव जी महाराज क्या हो? जगने पर भी, क्योंकि अहंकार को निर्मूल करने के लिए हम लोग बचपन से लगे हैं अहंकार पालने के लिए। स्वप्न में उन्होंने कह दिया अहंकारी हो तो नींद छूटने पर भी क्या मैं अहंकारी हो गया हूँ या अहंकारी हूँ, कौन सा मेरा काम हुआ जो फिर हुआ? अरे भाई वो तो स्वप्न था, तुम अभी जगे हो तब वो जाके स्वप्न टूटा, नहीं तो 15 मिनट मेरे सपने में खा गए, जगने में पर ही सपने के नाम पे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? स्वप्न में भी तारतम्य है या नहीं? इतना विस्तार पूर्वक मैंने इसलिए कहा कि यह जो सूर्य चंद्र इत्यादि हमारी दृष्टि से बहुत आश्चर्यजनक पदार्थ हैं, वो भी अगर विचार करें तो किसी जीव विशेष के शुभाशुभ कर्म के अनुसार तत्त लोक की तत्त धाम की स्थिति की प्राप्ति होती है। तो सूर्य जो बनता है वो भी तो कोई जीव है ना, उसके कर्मोपासना का इतना उज्ज्वल स्तर है कि उससे उसको सूर्य मंडल आदि भौतिक धरातल पर प्राप्त हुआ,
आधिदैविक धरातल पर आँखों का देवता भी है और चेतन भी है। इस प्रकार से एक सूर्य के रूप में भी जीव है, एक चंद्रमा के रूप में भी जीव है, एक गधा के रूप में भी जीव है, एक मनुष्य के रूप में भी जीव है, एक रुग्ण रूप भी है, एक स्वस्थ भी एक है जीव है। एक पंजाब में महिला है, 101 वर्ष में खूब दौड़ लगाती है, 94 वर्ष से दौड़ना शुरू किया था, अमेरिका आदमी विजयी हो गई है, बेटा उसका 78 साल का है, कमर उमर में दर्द नहीं, और यहाँ 74 वर्ष में ही सारे शरीर में दर्द ही दर्द है, तो क्या मतलब हुआ। ये जो तारतम्य है कर्म निमित्तक है, तो इसलिए कहा पूर्व पक्ष है कि जीव अपने शुभाशुभ कर्म के द्वारा तत्त अधिदैव को भी प्राप्त हो सकता है, अर्थात तत्त आदि भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक प्रपंच का भी सृष्टा बन सकता है, क्योंकि उसके सृष्टित्व में उसके कर्म निमित्त बन जाते हैं। इस प्रकार जीवार्था सृष्टि को लेकर ब्रह्मा जी को योग वासिष्ठ ने तो बहुत उन्नत रूप में लिया, परमात्मा के रूप में। ब्रह्मा जी का उत्कर्ष देखना हो तो योग वासिष्ठ में देखिए, बहुत उत्कर्ष है। वशिष्ठ जी वक्ता है ना ब्रह्मा जी का, हमें आया कोई ग्रंथ है कहाँ लिखा, 14 प्रकार के ब्रह्मा, ब्रह्मा के विस्तार होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, समष्टि अभिमान से संपन्न हुए ना। अगर हम सांख्यों का प्रस्थान लें तो अहम महत्तत्व, समष्टि बुद्धि का नाम है महत्तत्व। महत्तत्व में निसर्ग सिद्ध जिनकी तादात्म्य पत्ति है वो ब्रह्मा। हमारी आपकी सारी व्यस्त बुद्धि जिसमें जाकर, व्यस्टि बुद्धि जिसमें जाकर, व्यस्त बुद्धि जिसमें जाकर समा जाए। महाभारत में पंचरात्र आगम बहुत बढ़िया है, उस पर हमारा ग्रंथ भी है पंचरात्र पर। उसमें अहम तत्व समष्टि अहम के जो अभिमानी चेतन उनका नाम ब्रह्मा। और ब्रह्मा को भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंत यत सूरयः, भगवान अंत में उनको अंतर्यामी परमात्मा तत्व बोध दे प्रदान कर देते हैं। और अंत में ब्रह्मा की आयु कक्षय होने पर उनको कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पर ब्रह्मा हो गए समष्टि जो बुद्धि है, उसमें निसर्ग सिद्ध कर्मोपासना के प्रभाव से निसर्ग सिद्ध जिनकी तादात्म्य पत्ति है। उदाहरण देते हैं, अभी हम भले ही या आप भले ही पंचभूत आदि का विवेक जानते हों करते हों, कोई उपद्रव आ जाए तो मकान को लेकर, सब को लेकर या अपने शरीर को लेकर भगने का प्रयास करेंगे। विवेक के बल पर पंचभूतात्मक शरीर हम अपना मानते हैं, औरों का मानते हैं, लेकिन निसर्ग सिद्ध तादात्म्य पत्ति पंचभूतों का तारतम्य संघात जो शरीर प्राप्त है उसी को लेकर अहमिति का उत्थान होता है या नहीं, स्वाभाविक तो इसी को लेकर ना। भूख लगेगी तो सबके शरीर को लेकर या इस शरीर को लेकर, प्यास की अनुभूति होगी तो इस शरीर को लेकर, परोपकारी होंगे तो दूसरे के भूख प्यास के प्रति सहानुभूति होगी, लेकिन भूख लगेगी प्यास लगेगी तो इस शरीर को लेकर, वेदना होगी तो इस शरीर को लेकर, भगने की इच्छा होगी तो इस शरीर को लेकर। हमारी आपकी व्यष्टि शरीर में निसर्ग सिद्ध तादात्म्य पत्ति है, विवेक के बल पर हम इसको समष्टि से एक मानते हैं। हम विवेक के बल पर विश्व को वैश्वानर, तेजस को हिरण्यगर्भ और प्राज्ञकोऽन्तर्यामी कूटस्थ को ब्रह्म मानते हैं। कर्मोपासना का हमारा स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि निसर्ग सिद्ध तादात्म्य पत्ति समष्टि को लेकर हो, लेकिन उनकी उनके कर्मोपासना की स्तर इतना है कि निसर्ग सिद्ध उनकी तादात्म्य पत्ति समष्टि को लेकर ही होती। ये अंतर हो गया ना। तो छोटे 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 ताल तलैये में जैसे महासमुद्र से जल पहुंचाया दिया है, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि में सबकी बुद्धि का सन्निवेश है। एक एक किरण बुद्धि के रूप में हमको प्राप्त है, लेकिन समष्टि महत्तत्व या समष्टि अहम तत्व में तादात्म्यपन्न जो जीव है वो ब्रह्मा जी।
और सूर्य मंडल में जिसकी तादाद में पत्ती है वो सूर्य, और नेत्र मंडल में एक नेत्र इंद्रिय में जिसकी तादाद में पत्ती हम जीव, आकाश पाताल का अंतर हो गया या नहीं, उनमें जो सूर्य मंडल में तादाद में पत्ती है उनके कर्म उपासना का स्तर इतना ऊँचा है कि जब से उनको सूर्य का शरीर प्राप्त हुआ कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप, तब से उनकी समष्टि नेत्रानुग्राहक समष्टि अधिदैव और सूर्यमंडल में ही उनकी तादात्म्य पत्य, उनकी अहमति उसी को लेकर व्यक्त होती। अब गंगा जी जो होंगी, गंगा जी की समस्त वो जो पूरी गंगधार है उसको लेकर तादात्म्य पत्ति होगी, पृथ्वी के अधिदेव जो हैं वो पूरी पृथ्वी को लेकर तादात्म्य पत्ति होगी, और हमारी आपकी जैसी तादात्म्य पत्ति एक शरीर को लेकर निसर्ग सिद्ध है, तो हम आप मुक्त हो सकते हैं कैसे, व्यष्टि और समष्टि के तात्विक ऐक्य का बोध प्राप्त होने पर, लेकिन उन लोगों के बराबरी व्यवहार में नहीं कर सकते समानता, क्योंकि उनके कर्मोपासना का स्तर इतना ऊंचा है कि समष्टि तादात्म्य पत्ति उनके स्वभाव से सिद्ध है, व्यष्टि तादात्म्य पत्ति हमको स्वभाव से सिद्ध है। अब हम विवेक के बल पर व्यष्टि और समष्टि का एकत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन अधिदैव जैसा व्यवहार में चमत्कार हम ला के रख दें वो नहीं है, उसके बहुत शोधन करना पड़ता है देहेन्द्रिय प्राणांतरकरण का, तो सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिव्यता आती है। ये हुआ ना समष्टि तादात्म्यापत्ति, समष्टि तादात्म्यापत्ति। जैसे एक महंत है, एक एक कमरा एक एक साधक को दिया, उस कमरे में गर्मी हो तो चूबे तो वर्षा का प्रभाव पड़े जो भी हो उसको व्याप्ति है क्या गर्मी, उसको चिंता रहती है मेरा कमरा देखो ठीक नहीं है अमुक जगह गड़बड़ी है। अब महंत जो है उसकी तादात्म्य पत्ति पूरे आश्रम से है मठ से है क्या, वो उसका कमरा हो तो उसका कमरा हो तो उसकी तादात्म्य पत्ति, लेकिन एक एक कमरे में रहने वाले साधक की एक एक कमरे से तादात्म्य पत्ति, और दो साधक आपस में लड़ भी जाते हैं एक एक कमरे को लेकर के, लेकिन वो महंत की तादात्म्य पत्ति क्या है उसके पूरे आश्रम को लेकर है। घर के गृह मंत्री और प्रांत के गृह मंत्री में क्या अंतर हुआ, अगर सचमुच का गृह मंत्री, गृह शब्द का अर्थ क्या हुआ घर, गृह शब्द का अर्थ हो गया प्रांत, और भारत के प्रांत सचमुच का अगर गृह मंत्री है तो अब घर में ही आ सकता है, तो मंत्री गृह मंत्री का दायित्व क्या निभाएगा। अब भारत का गृह मंत्री हो गया तो गृह शब्द का अर्थ क्या हो गया भारत, गृह शब्द फैल गया या नहीं। अब मान लीजिए पूरे विश्व में एक शासन हो एक राजा का, उसमें कोई गृह मंत्री हो तो गृह शब्द का क्या हो गया अर्थ, त्रिभुवन के राजा इंद्र के दृष्टि में गृह शब्द का अर्थ क्या हो गया, अब ब्रह्मा जी की दृष्टि में गृह शब्द का अर्थ क्या हो गया। गृह तो एक ही है, गृह मंत्री गृह मंत्रालय गृहिणी, गृह शब्द तो एक ही है, क्षेत्रफल कितना व्यापक हो गया क्षेत्रफल है। अब एक कलेक्टर का अगर सचमुच में घुसखोर नहीं है मेरा जिला, महाराज आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जिला सुख संपन्न रहे, नहीं तो घटिया कलेक्टर मेरा बेटा ठीक रहे। बढ़िया कलेक्टर हमेशा पूछते हैं छत्तीसगढ़ आदि में जिस जिला के होते हैं सब उनकी तादात्म्यापत्ति उसमें होती है या नहीं, तो तादात्म्यापत्ति ये जो है कर्मोपासना के फलस्वरूप, जिसकी सीमित कर्मोपासना है वो सीमित। अब हमारा अब इस यही रहे, अब रक्त के एक एक बूंद को देखकर देखें तो लाखों जीव शरीर में है या नहीं, उनकी तादात्म्यापत्ति हमारे शरीर को लेकर नहीं, हमारी तादात्म्यापत्ति उनको लेकर नहीं। अब एक ही शरीर में, इस शरीर में वैज्ञानिक ढंग से विचार करें तो जीवाणु कितने होंगे, जीव कितने होंगे, उनको जो शरीर प्राप्त है ना उसमें उनकी तादात्म्यापत्ति है, और हमारी पूरे आपाद मस्तक शरीर में तादात्म्यापत्ति है, तो उनकी अपेक्षा हम ब्रह्मा हो गए या नहीं, क्या उनकी अपेक्षा हम ब्रह्मा हो गए या नहीं,
पूरे शरीर में हमारी तादात्म्य पत्ती है, शरीर के में एक रक्त के बूंद से उनका शरीर में गंदगी है या कुछ है, वहाँ उनका शरीर पैदा हुआ। मल मूत्र में भी तो पैदा होते हैं ना, मल की एक कणिका मूत्र के एक बूंद में उनकी तादात्म्य पत्ती हो गई, उनके शरीर में उनकी तादात्म्य पत्ती है। उनकी अपेक्षा हमारा कर्म, हमारी उपासना का बल इतना ऊंचा है कि उनके लिए हम ही ब्रह्मा हो गए। क्या हम आप ब्रह्मा हैं? उनकी तादात्म्य पत्ती बहुत कम, हमारी तादात्म्य पत्ती, लेकिन हमारी तादात्म्य पत्ती उनके शरीर को लेकर नहीं, इसलिए उनके शरीर के कष्ट को हम नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे शरीर के कष्ट को अब वो रक्त के, जिस रक्त में वो मल मूत्र में पैदा है वहाँ जाकर विकृति आ जाए तब उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। एक ही शरीर में लाखों जीव के होने पर भी तादात्म्य पत्ति का खेल है या नहीं? यही है। तो हमारे लिए, उनके लिए हम ब्रह्मा हो गए, हमारे लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मा है। तस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म शक्यते श्रावयितुम यस्य वै तत्कर्म इति, यस्य वा ये तत्कर्म, जिसका यह कर्म है। अब पूर्व पक्ष है ना, यहाँ पर प्राण की अपेक्षा अब जीव को ले आए, जिसका यह कर्म है, तो इसका मतलब क्या है? अभी हमको आश्चर्य लगता है आदित्य मंडल को देखकर, चंद्र मंडल को देखकर, उसमें स्थित पुरुष को देखकर, लेकिन जीव के शुभाशुभ कर्म को देखकर विचार करें तो वो भी तो आदित्य मंडल किसी जीव को उसके कर्म के फलस्वरूप, उसकी उपासना दिव्य उपासना के फलस्वरूप प्राप्त है, हमको यह प्राप्त है। तो हम ही जीव थोड़े हैं, वो भी तो जीव है ना। तो जीव शब्द का जब वर्णन होगा या जीव की दृष्टि से विचार होगा तो रक्त के एक अणु में, बूंद में जो जीव है उसी को लेकर थोड़े, विभिन्न शरीरों में रहने वाला जो जीव है, जीव तत्व को लेकर विचार होगा। जीव तत्व को लेकर विचार होगा तो जीव के जो शुभाशुभ कर्म हैं उसको लेकर विचार होगा। तो एक जीव इस शरीर में है, तो एक जीव सूर्य मंडल में है, तो एक जीव चंद्र मंडल में है। जीव जीव में अंतर है ना, महाभारत में लिखा है और शंकर भाष्य में लिखा है, सुभग दुर्भग बन समय हो गया, सुभग दुर्भग हो जाता है, दुर्भग सुभग हो जाता है। आज जो देवता बन करके ऐसे वरदान देता है, कल अशुभ कर्म का उदय होने पर जब वो भिखारी बन गया तो हाथियों फैलाता है। अब उसको याद नहीं है कभी देवराज इंद्र होकर मैं यूँ वरदान देता था। सुभग को दुर्भग बना दे कर्म और दुर्भग को सुभग बना दे कर्म। आज जो देवता के पद पर है, अगर उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो देव शरीर को क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, देव शरीर को देने वाला जो शुभ कर्म उपासना है उसका क्षय हो जाने पर अशुभ कर्म और उपासना का फल जब इसको प्राप्त होना होता है तो एक मच्छर भी बन सकता है जो कल देवराज इंद्र था, ऐसे ही अब मच्छर बनेगा तो रक्त पीने के लिए तैयार रहेगा, वहाँ अमृत पीने में भी नखरे, यहाँ रक्त पीने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ मलाई भी नहीं खाते, अमृत छकते हैं। और मान लो सुअर का शरीर प्राप्त हुआ शुकर का, तो गंदे आहार पर भी टूट पड़ेंगे। अब हम लोग जब पशु थे तब घास चरते थे या नहीं? अभी कोई पुआल ला के रख दे तो अपमान मानेंगे या नहीं? उस समय टूट पड़ते थे। इसलिए योग वासिष्ठ पढ़ने से लाभ क्या होता है? जिस जीव पर जाती है दृष्टि, पापी पर, तापी पर, मच्छर पर, कीड़े पर, मेढक पर, अरे अरे कभी मैं भी तो यही था, मैं भी तो था इस शरीर में, मैं भी तो इस शरीर में था। कम से कम कल्याण से जो विशेषांक निकला है गीता प्रेस से योग वासिष्ठ का संक्षिप्त, वो तो एक बार पढ़ लेना चाहिए। एक एक ऋषि ने अपने और दूसरे के 10-10 जीवन का वर्णन किया जन्म का। 84 लक्ष योनियों में जितने शरीर हैं, अनादिकाल से कौन ऐसा शरीर है जिस शरीर में हम न रहे हों, क्या या जो शरीर हमको प्राप्त न हुआ? हम लोग इसलिए, हमारे अंतर पड़ता है ना। एक व्यक्ति जिसको पापी समझता है, मैं भी उसको पापी समझता हूँ, आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? उसको मैं आत्मा मानता हुआ पापी समझता हूँ,
और ये भी मैं जानता हूँ कि 3 जन पहले मैं हो सकता इससे ज़्यादा अव्वल दर्जे का पापी था। उस पापी के प्रति भी मेरे हृदय में करुणा का उदय होगा या नहीं? मैं भी कैसे अभी लुटेरा था, व्यभिचारी था, एक ही जन्म थोड़े है। अब ये जो जिसको ये ज्ञान नहीं है पापी को पापी ही समझेगा, क्या दुष्ट को दुष्ट ही समझेगा, दुश्मन को दुश्मन ही समझेगा। हम लोग क्या समझते हैं, पापी होता हुआ भी जीवात्मा है, जीवात्मा होता हुआ भी वास्तव में परमात्मा भी है, और हम भी कभी ऐसे पापी रहे होंगे। तो हमारे व्यवहार में, हमारे मन जिसको ये ज्ञान हो गया उसके व्यवहार में औरों के व्यवहार में अंतर है या नहीं? एक पापी को पापी समझकर कोसता है, एक पापी को प्राकृतिक पापी वस्तुता जीव और ईश्वर समझता है, तो दोनों के व्यवहार में अंतर पड़ेगा या नहीं? वह उसके उद्धार के लिए प्रयास करेगा, वो उसको दंड देने के लिए प्रयास करेगा, बदला लेने के लिए। यहाँ पर कहा गया कि जीवों के जो शुभाशुभ कर्म हैं उनके द्वारा 84 लक्ष योनि देव धनुज मनुष्य गंधर्व भूत प्रेत पिशाच जितने प्रकार की योनियाँ हैं सब योनियों को पाटने वाला अपने शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप कौन है? जीव। तो एक एक करके विचार करें तो समष्टि जगत का भी आखिर कर्ता जीव हुआ या नहीं? क्या अमुक जीव के शुभाशुभ कर्म से इतना बना, अमुक जीव के शुभाशुभ कर्म से बना? अब समष्टि जीव की दृष्टि से विचार करें तो, जीव तत्व की दृष्टि से विचार करें तो क्या होगा? ये जीव के कर्म के फलस्वरूप यह संसार बना है। बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जना नाम अस्त प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2। जना नाम अस्त प्रभु, क्या कहा श्रीधर स्वामी ने? जना नाम जीवार्था सृष्टि है। भगवान ने जीवों के शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप उसे बुद्धि इंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। यों तो भगवान के ऊपर कर्तृत्व हमने ला के रखा, जना असजत प्रभु भगवान ने किया। अब जीव पक्ष वाले क्या कहेंगे? हम जीव ने अपने शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप अपने लिए देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को प्राप्त किया है, तो इसमें कर्तृत्व हमारा भी सिद्ध है या नहीं? गौण सही, न हमारे शुभाशुभ कर्म होते न हमको, या न सूर्य के शुभाशुभ कर्म होते या दिव्य कर्मोपासना न सूर्य की होती, एक जीव की न सूर्य शरीर उनको मिलता। इस प्रकार से विचार करने पर पूर्व पक्ष में जीव भी कर्ता हो सकता है, और धारक होने के कारण समष्टि दृष्टि से विभु होने के कारण वह भी ब्रह्म हो सकता है, विज्ञातव्य हो सकता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 नारायण। अब तो रावण मारा गया, ये निशाचरियाँ जो आपको ताना कसती थी, विकराल दांत दिखाती थी आँख, आपकी आज्ञा हो तो किसी के बाल नोच दूँ, किसी के खाल नोच दूँ, किसी के हाथ तोड़ दूँ। सीता जी ने क्या कहा? रावण के वशवर्ती होकर कष्ट देती थी, अब कहाँ कष्ट देती हैं? तुम राम जी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले हो वाल्मीकि रावण, कौन ऐसा जीव है जिससे अपराध नहीं बनता? इसीलिए सब जीव आर्य जो हैं उनको सब पर करुणा करनी चाहिए। अपराधी जीव जैसे किसी को सांप ने काट लिया, कुत्ता ने काट लिया, और नादान जीव है काट लिया, तो किससे अपराध नहीं बनता है? तुम राम जी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले हो इस प्रकार सोचा नहीं करते हैं। उन्होंने यातना दी, रावण के वशवर्ती थी, वेतन भोगी थी, अब तो वही है ना, अब कहाँ, अब तो नतमस्तक हैं, अपने जो भी उन्होंने कर्म किया ग्लानि भी है, इस तरह इनको अंग भंग मत करो, कारुण्य का परिचय देना चाहिए। तुम राम जी आर्य हैं, उनके सेना में प्रमुख हो, कौन जीव अपराध नहीं करता? तो इसका मतलब दंडाधिकारी तो हम आप सब नहीं है ना, दंडाधिकारी को चाहिए कि दंड जरूर दे,
लेकिन दंड के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं हो, उसके प्रायश्चित की भावना, दंड देने से ये अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। करुणा है, दंड करुणा पूर्वक दे, क्रूरता पूर्वक नहीं। क्या क्रूर लगने पर भी जो दंड दिया जाता है उसके शोधन के लिए ना, नरक में क्या जलता है, पाप या पुण्य, और स्वर्ग में क्या जलता है, और ज्ञानाग्नि से पाप पुण्य दोनों। नरक में पाप जल जाएगा, पाप का संस्कार नहीं जलेगा, स्वर्ग में पुण्य जलता जाएगा, जितने क्षण रहेंगे पुण्य का संस्कार नहीं। तत्व ज्ञान से पाप भी जल जाएगा, पुण्य भी जल जाएगा, उसका संस्कार भी जल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए फिर ये कहा गया कि जीवों के शुभाशुभ कर्म को लेकर जीव में कर्तृत्व की निष्पत्ति होती है, क्योंकि सृष्टि की संरचना में अवांतर कारक के रूप में या कर्ता के रूप में जीव भी परिगणित है।